बेबी काओ माशाल्लाह आपने देखा होगा, बड़ा खुश हुआ बाहर आके। ये इसको ना बाहर कच्ची जगह पे नीचे बांध दे, इसका पेट खराब हो जाएगा जिससे इसको बहुत ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल हवेली बाय शफा। तो मैं हवेली आ चुका हूँ, खुदा बख्श ने जो है बैठे वो बाहर बांधना शुरू कर दी है। तो आज हम बेबी काओ के लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं, जो उसे रोज़ हम अंदर बांध देते थे अकेला, क्योंकि वो मिट्टी खाता था। तो आज हम उसे अंदर नहीं बांधेंगे, आज हम उसे बाहर सब जानवरों के साथ बांधेंगे। ये देखिए खुदा बख्श जो है वो बहन से बांध रहा है। कल वाली वीडियो में खुदा बख्श जो है वो आपसे एंग्री भी था कि सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डब्बू जो है वो अभी अंदर ही है, उसे भी अभी थोड़ी देर में जो है बाहर लेके आएंगे। तो जो बेबी काओ के लिए सरप्राइज है वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, ये सरप्राइज था बेबी काओ के लिए। हम मास्क लेके आए थे जो उसके चेहरे पे लगा के, तो उसे हमने बाहर बांधना, क्योंकि ये मिट्टी खाता है इसलिए इसको ना बाहर कच्ची जगह पे नहीं थे बांध रहे, इसका पेट खराब हो जाएगा जिससे इसको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते थे। तो कल मैं गया था मंडी, उधर से फिर मास्क लेके आया हूँ ताकि जो ना इसको बाहर बांधा जाए। अकेला ये अंदर जो है ना वो अच्छी बात नहीं थी। तो अब ये देखे माशाल्लाह कितना वो फील कर पा, इन खुला छाट दे जरा, और मैं बांधनागा, ये चेक कर छाट दे। गाइज मैं ना अब इसे पकड़ता हूँ, क्योंकि जो दूसरी भैंस है ना वो दूसरी भैंसों के काउस के बच्चों को मारती हैं। तो अब मैं इधर से आता हूँ तो वो देखें, अब मैं इधर से आऊँगा उधर भाग देगा। फाइनली पकड़ लिया बेबी काओ को, ये बहुत जोर लगा रहा है, ठीक है बांधने नहीं दे रहा। ये चेक करें इसकी जिदें चेक करें, मेरे ख्याल में ये अंदर ही ठीक था। पा गां खुल गई है, यार बंदे कह रहे कि तू सानू धमकियां ला रहे हैं, लाइक करो सब्सक्राइब करो, करना होया कर देंगे। उन्हां दी मर्जी यार, तू हुण उन्हां दी मर्जी। अच्छा लोग अच्छा तेरी भी करया कर, ओने शुगर मेला नहीं कोई लांदा, रोज कदी चाह बना दीती ते बस एहो कुछ ही। चाह ना बनाया करी नहीं, ओने ने दूध पिया कर, दूध पी रहे मेरे। अच्छा तो गाइस खुदा बख्श कह रहा है मैं दूध भी पीता हूँ, चाय भी पीता हूँ, जो ना चाय मुझे एक्टिव रखती है। तो बेबी काओ माशाल्लाह आपने देखा होगा, बड़ा खुश हुआ बाहर आके। वो मुझे भी फील होता था कि अंदर अकेला जो है ना वो जानवर वैसे ही कह लेंगे तन्हाई महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता था। तो वो तो फिर बच्चा था छोटा था। तो कल फिर हम मंडी गए थे, उसके लिए मास्क ले गया, मास्क माशाल्लाह रेड कलर का, उसे अच्छा भी बहुत लग रहा है। तो कल गाय जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, एक तालाब मतलब के प्लाट में पानी भरा हुआ था, वो बिल्कुल खुश्क हुआ हुआ है। ये रातों रात पानी मेरा ख्याल है ज़मीन पी गई है या किसी दूसरी फसल में लग गया। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये बिल्कुल खुश्क हुआ है। कल ये फुल फ्लैज बड़ा हुआ था, तो अभी जो है ना पानी बिल्कुल थोड़ा सा ये खड़ा हुआ है, ये मुझे नज़र आ रहा है बिल्कुल थोड़ा सा। कल तो वो एंड तक फुल कोने यानी किनारों तक जो है ना पानी हुआ था। तो अब ये पानी गया किधर है, ये ज़मीन ने नहीं पिया, ये जो इस टर्बाइन के थ्रू इधर से पानी निकला, इस पाइप से निकल गए, तो ये पानी गया है इधर, इन जो है ना फसलों में।
तो इधर इस तरह ये पानी यूटिलाइज हुआ है। क्योंकि इधर खड़ा था बहुत ज़्यादा पानी हो गया था, तो फिर ये हुआ है कि उधर से पानी निकाल के इधर जो पीछे हैं फसलें उनको लगा दिया। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, भाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपके शेयर और लाइक की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइक की ज़रूरत है, सब्सक्राइब की ज़रूरत है, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।